अभी एक सवाल मेरा मन में आया, तो ये सवाल है कि व्हिच सेक्शन ऑफ द सीजीएमपी रेगुलेशंस रिक्वायर दैट द एनालिस्ट शुड एंश्योर दैट ओनली दोज इंस्ट्रूमेंट्स इज बीइंग यूज्ड व्हिच इज एस्टेब्लिश्ड टू फॉलो द स्पेसिफिकेशंस आर टू बी यूज्ड। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए वही वाला इंस्ट्रूमेंट जो है टेस्टिंग के लिए यूज हुआ है, ये कौन सा सेक्शन में, सीजीएमपी का कौन सा सेक्शन में ये चीज़ लिखा है कि आपको जो है इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्वालिफाइड होना चाहिए और उसका जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके ही उसी इंस्ट्रूमेंट को यूज होना चाहिए। तो अपना जो है 211.160 पैराग्राफ बी पॉइंट नंबर 4, वहाँ पे ये मेंशन है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स यूज होगा इट शुड मीट द एस्टेब्लिश्ड स्पेसिफिकेशंस एंड दीज इंस्ट्रूमेंट्स ओनली कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग। अभी इसी मुद्दे को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, तो कौन सा सेक्शन है जहाँ पे लिखा है कि वही जो हम लोग अभी डिस्कशन किए कि इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होना चाहिए उसका कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। और एक चीज़ है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होना भी ज़रूरी है। तो ऐसा कहाँ पे लिखा है कि वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होना ज़रूरी है? तो सेम सेक्शन 211.160 पैराग्राफ जो है बी पॉइंट नंबर 4, इसी सेम जगह पे यही चीज़ मेंशन है कि वो इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट जो भी टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ होगा इट शुड बी एडिक्वेटली कैलिब्रेटेड। तो अभी एक स्ट्रेट वे सवाल आता है कि ऑबवियस एरर जो है, ऑबवियस एरर का कैटेगरी में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं? तो ऑबवियस एरर में क्या क्या चीज़ें हो सकता है? पहले जो है इनकम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ सैंपल हो सकता है, सैंपल स्पिलेज हो सकता है, पावर आउटेज हो सकता है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन एरर हो सकता है। ये जो जो चीज़ें हैं इंस्ट्रूमेंट इनको इन अप्रोप्रिएट सेटिंग पैरामीटर्स हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट जो भी यूज़ किया है उसका प्रॉपरली सेटिंग्स सही से ना किया गया है, दूसरा सेटिंग पे टेस्टिंग कर लिया गया है, ये सब जो है ऑबवियस एरर है जिसके लिए हम लोगों को इमीडिएट बेसिस पे इसको रूट करना है और फर्दर हाइपोथेसिस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको टेस्ट को इमीडिएट बेसिस पे रिपीट कर देना है टेस्ट को, और ऑबवियस एरर को आइडेंटिफाई करके वो इसको इमीडिएट बेसिस पे कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये मालूम चलता है कि ऑबवियस कुछ एरर है या ऑबवियस नहीं भी है, अगर हाइपोथेसिस करने के बाद या फिर अगर ये मालूम चलता है कि कोई असाइनेबल कॉज हो या फिर कोई मोस्ट प्रोबेबल कॉज हो जिसकी वजह से ये ओएस फाइंडिंग्स हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर स्ट्रेट वे होगा कि ओएस शुड बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड और टेस्ट को उसकी केस में रिपीट करना चाहिए, और रिपीट टेस्ट रिजल्ट शुड बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल रिपोर्टिंग पर्पस। और इमीडिएट जो इनिशियल रिजल्ट फाइंडिंग हुआ था उसको इनवैलिडेट कर देना चाहिए। अगर बार बार टेस्ट करने के बावजूद भी देखा जाता है कि वेरिंग रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट जो है बार बार वेरी कर रहा है, और ओएस का जो रीज़न है वो रीज़न बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाए, इट इज़ कम्प्लीटली अनक्लियर टू एवरीबॉडी जो भी कॉज है ये वेरिंग रिजल्ट्स होने के लिए, वो कॉज जो है हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो उसकी केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो हम लोग ये ऑब्वियसली डेफिनेट थॉट रखना पड़ेगा कि अगर वेरिंग रिजल्ट्स आ रहा है, फाइंडिंग्स हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो है प्रोडक्ट्स इटसेल्फ, प्रोडक्ट से ही आ रहा है, हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को इमीडिएटली जो भी प्रोडक्ट्स रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स है, प्रोसेस है, वो प्रोसेस को वेरीफाई करना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन को थॉरली करना चाहिए, और उसकी अगेंस्ट पे अगर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन में कुछ फॉल्ट फाइंडिंग होता है
तो उसको रूट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एडिक्वेट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लेना चाहिए। अच्छा, अभी मन में और एक सवाल आता है बार बार, ये प्रॉब्लम फाइंडिंग्स होता है और लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि रीटेस्टिंग करना है, तो रीटेस्टिंग करना है तो कौन करेगा? इनिशियल एनालिस्ट रीटेस्टिंग परफॉर्म करेगा या फिर कोई दूसरा एनालिस्ट रीटेस्टिंग परफॉर्म करेगा? तो एज पर द MHRA गाइडलाइन एंड USFDA गाइडलाइन, रीटेस्टिंग जो है वो डेफिनेटली कोई दूसरा एनालिस्ट परफॉर्म करेगा, और वो जो है इनिशियल एनालिस्ट का से ज़्यादा और इक्विवेलेंट, एटलीस्ट इक्विवेलेंट कॉम्पिटेंट एनालिस्ट होना पड़ेगा। ये रहा रीटेस्टिंग का बेसिक क्राइटेरिया। अच्छा, CGMP का ऐसा कौन सा रेगुलेशंस है जहाँ पे ये बोलता है कि कोई भी एक टेस्टिंग करने के लिए एक स्पेसिफिकेशन होना जरूरी है, एक स्टैंडर्ड्स होना जरूरी है, एक टेस्ट प्रोसीड्योर SOP, सैम्पलिंग प्लान होना चाहिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल मेकानिज्म्स ये होना जरूरी है। तो एज पर 211.160 यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। अच्छा, अभी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर टेस्ट को मतलब रीटेस्ट करना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने बार रीटेस्ट अलाउड है, मतलब एक सैंपल को कितना टाइम रीटेस्ट किया जा सकता है? आप लोगों को क्या लगता है कितने बार किया जा सकता है? अच्छा, इसका आंसर ऐसा है, गाइडलाइन ऐसा बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को रीटेस्ट का जो प्रोसीड्योर है वो अपने SOP में डिफाइन करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग रीटेस्ट प्लान जो है उसको परफॉर्म करना चाहिए। बट गाइडलाइन ये भी बोलता है कि एटलीस्ट 3 to 9 टाइम्स रीटेस्ट हो सकता है। अच्छा, अगर कॉन्जिक्यूटिव टेस्टिंग परफॉर्म कर लिए गए है, बार बार टेस्टिंग करने के बावजूद भी रिजल्ट जो है वो फेलियर ही आ रहे और प्रोडक्ट जो है उसका रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहे, तो उसकी केस में कौन सा ऐसा गाइडलाइन है जहाँ पे हम लोगों को उसको स्ट्रेट वे में रिजेक्शन का प्रोसीड्योर बोलता है? तो ये जो है सेक्शन 211.165 पैराग्राफ F, ये मेंशन किया गया है कि इट शुड बी रिजेक्टेड एंड से बी होल्ड फॉर पेंडिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मतलब जब तक और कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक आप उसको होल्ड भी करके रख सकते हो, और नहीं तो आप उसको इस इन्वेस्टिगेशन का बिहाफ पे उसको रिजेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एक सवाल मन में आया कि रीटेस्टिंग और रीसैम्पलिंग में क्या अंतर है? अगर सिंपली सोचेंगे कि रीटेस्टिंग जो है इनिशियल होमोजेनियस सैंपल से दोबारा टेस्ट परफॉर्म करना भी हो सकता है, नया सैंपल लेके भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नया सैंपल लेके नहीं हो सकता है। बट रीसैम्पलिंग किसको बोलेंगे? रीसैम्पलिंग मतलब मेरा जो बैच है उस बैच से एक दूसरा सैंपल एलिकॉट को उठाना और उसको बोलते हैं रीसैम्पलिंग। तो रीटेस्टिंग का मैंडेटरी ऐसा नहीं है कि हम लोगों को रीटेस्टिंग परफॉर्म करना है कि इनिशियल सैंपल से ही रीटेस्टिंग होगा। इनिशियल होमोजेनियस सैंपल मान लीजिए हम लोगों को स्पीलेज हो गया या फिर एडिक्वेट सैंपल क्वांटिटी नहीं है या फिर हम लोगों को जो बैच है एंटायर बैच को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, उसकी केस में रीसैम्पल लेके भी रीटेस्टिंग परफॉर्म किया जा सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम चला कि सैम्पलिंग एरर जो है वो रूट कॉज है, तो उसकी केस में हम लोगों को क्या सैम्पलिंग प्लान जो है, सैम्पलिंग टेक्निक जो है, वो सैम्पलिंग टेक्निक को बदल देना चाहिए? नो, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको सैम्पलिंग एरर फाइंडिंग हुआ तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में
जो भी सैम्पलिंग का टेक्निक है, सैम्पलिंग का प्रोसीजर है, उसमें हम लोग कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। हर एस सैम्पलिंग पर्सन को एडिक्वेटली ट्रेनिंग देंगे और उसको सैम्पलिंग टेक्निक फॉलो क्यों नहीं किया है उसको डीपली थॉरली इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसकी एग्निस पे एडिक्वेट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे। मगर मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम चला कि सैम्पलिंग मेथड जो है वो मेथड एरनियस है, उसकी केस में ऑफ कोर्स आपको सैम्पलिंग टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन करके सैम्पलिंग मेथड को और एडिक्वेट करना पड़ेगा, उसमें नेसेसरी चेंजेस करना पड़ेगा और आपको सैम्पलिंग मेथड को और रोबस्ट करने के लिए जितना भी नेसेसरी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लेना चाहिए वो आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, OS और OT ये ऐसा एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात करते रहेंगे तो शायद रात भी ख़त्म नहीं होगा और आप लोग देखते देखते भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए इस डिस्कशन को यहीं पे अंत करते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ अनटच्ड है, जो हम लोग कभी दोबारा टाइम मिलेंगे तो उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, उसको शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू अपडेट्स। और मैं ऐसा जो है टेक्निकल ज्ञान लेके आप लोगों के पास आता रहूँगा, तो आप लोगों को बताता रहूँगा। और आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और ये भी बताइए कि और कौन कौन सा टॉपिक्स आप लोगों को लगता है कि जिसको लिए हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर डेफिनेटली नया नया वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सायोनारा, सब्बा खैर, टेक केयर।